मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर से शुरू करने जा रहा हूँ ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, आज कुछ भी कहने से पहले मैं एक बार फिर से अपने खिलाड़ियों का परिचय आपसे करवाना चाहूंगा। ये रहे उनके नाम, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हैदराबाद तेलंगाना से आए एक इंजीनियर समर अहमद नजाम, उज्जैन मध्य प्रदेश से एक कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर मंगेश प्रधान, मुंबई महाराष्ट्र से पीएचडी स्टूडेंट जनक नंदनी त्रिपाठी, ग्राफिक डिजाइनर संदीप सावलिया कलसारी गुजरात से, दुमका झारखंड से एक मोबाइल शॉप ओनर श्याम राज जी, बीड महाराष्ट्र से गवर्नमेंट स्कूल में पीएन सोनाली दुधाल, भुवनेश्वर उड़ीसा से इधर आरबीआई के रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार आचार्य, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक स्टूडेंट नेहा यादव, और अंत में पुणे महाराष्ट्र से गृहिणी निर्मला अय्यर। इन सभी खिलाड़ियों को जब एक बार फिर से मौका मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिर से शब्द की ताकत को आप पहचानिए। जीवन की कई समस्याओं का समाधान होता है फिर से, वंस अगेन। अगर दुनिया में फिर से शब्द नहीं होता तो इस दुनिया में गांधी जी अपनी पहली असफलता से निराश होकर फिर से कोशिश नहीं करते और हमें महात्मा गांधी नहीं मिलते। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्ली चैपलिन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी जैसी अनेक हस्तियों की सफल कहानियाँ फिर से की कलम से रची गई हैं। हार के मुंह से जीत को खींच लाने की ताकत रखता है ये शब्द फिर से। ये मंच एक मार्गदर्शक और माता पिता की तरह इन खिलाड़ियों से कह रहा है कि अपने जोश और आत्मविश्वास को बुलंद करके फिर से कोशिश कीजिए। फिर हिमालय हो या धनालय जो यहाँ पर आता है, आप सब कुछ फतेह कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आज के हमारे कंटेस्टेंट्स का तालियों के साथ स्वागत किया जाए। तो कंटेस्टेंट्स, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। एक बार फिर से आपके सामने आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। ध्यान जो है वो स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। देवी जी, आप मुझे मत देखिए, स्क्रीन को देखिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए इन नेताओं को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। स्टार्टिंग विद द अर्लिएस्ट, अरेंज द फॉलोइंग लीडर्स इन द ऑर्डर दैट दे फर्स्ट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रेडी, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी एच डी देवेगौड़ा, डी पी वी नरसिम्हा राव। समय समाप्त हो गया, आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, June 9, 1964। फिर आता है बी इंदिरा गांधी, January 24, 1966। फिर आता है डी पी वी नरसिम्हा राव, June 21, 1991। और अंत में सी एच डी देवेगौड़ा, June 1, 1996। यह है सही क्रम। ए बी डी सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं केवल एक, रविंद्र कुमार आचार्य। भाई साहब आइए। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच। आइए सर, खबर आप चलते हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित है, बैठ गए? किससे बैठ गए? जब आपका हमने नाम सूचित किया तो हम ढूंढ रहे थे कहाँ हैं आप। नहीं, मुझे बताया गया था कैमरा को देखना चाहिए, मैं कैमरा ढूंढ रहा था। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको रविंद्र जी, तालियों के साथ इनका एक बार फिर से स्वागत। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आए आरबीआई से रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर रविंद्र कुमार आचार्य।
रविंद्र जी सबके फेवरेट बनना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सब इनकी भी तारीफ करते रहें। अद्भुत है आप। डिबेटिंग वगैरह का बड़ा शौक है आप। बहुत शौक है, बहुत शौक है। बचपन से था ये शौक? बचपन से, स्कूल डेज से था। विषय क्या होता था डिबेटिंग का? स्कूल में तो आम छोटे मोटे टॉपिक्स होते होंगे। टॉपिक बहुत सोशियोलॉजिकल टॉपिक होता था, इकोनॉमिक टॉपिक होता था, पॉलिटिकल टॉपिक होता था, पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक होता था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था जब डिबेटिंग में मेरा ओपोनेंट को मैं मार दे दूं और उसका पॉइंट काटते हुए मार दे दूं, पर कुछ एनमिटी भी नहीं था। अगर वो मेरा पॉइंट को काटते रहे और लॉजिकली काटते रहे, मुझे और आनंद मिलता था कि मुझे उससे कुछ सीखना मिलता था। मेरे सामने जो है, जो बैठते हैं, जो भी है, मुझे पहला रिएक्शन होता है मैं उससे कुछ सीख लूँ। बहुत बहुत अच्छी बात भैया। आगे चल के भी आप डिबेटिंग करते रहे रविंद्र जी? डिबेटिंग अभी तो कोई प्लेटफॉर्म में जाके डिबेटिंग नहीं होता है। कभी कभी कोई टॉपिक आ जाता है, फ्रेंड लोगों के साथ में, ग्रुप लोगों के साथ में, वो डिबेटिंग का माहौल पैदा हो जाता है। जी जी। उन लोगों का पॉइंट मैं सुनता हूँ, मेरा पॉइंट वो सुनते हैं, तो फिर कौन जीता कौन हरा इसका कोई मायना नहीं रखता है। बट हम लोग परस्पर के पॉइंट लेते हुए परस्पर से सीखते रहते हैं। जी, आजकल तो ज्यादातर डिबेटिंग जो है वो टेलीविजन पे होती है। हाँ, वो तो इसके बारे में और सूचना मेरा पत्नी दे सकते हैं। तो आप उनको कंपेनियन के रूप में ना है, पत्नी जी प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम है, देवियों सज्जनों में बता दूं, प्रणति आचार्य। प्रणति जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। रविंद्र जी, अब आपके सामने मैं खेल के नियमों को पढ़ दूं, क्योंकि ये सब हमको बताना पड़ता है। धनालय जो यहाँ पर अभी खड़ा हो गया है, ये देखिए धनालय, ये प्रश्नों का धनालय है और इसमें आएंगे 15 प्रश्न। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते जाएंगे 2000 पे और अंत में पहुंचेंगे 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। पड़ाव है 2 इस धनालय में, जो कि अब आपके बगल में आ गया है। एक है 5वें प्रश्न में 10,000 और दूसरा है 10वें प्रश्न में 3,20,000। और दूसरा पड़ाव पार करते ही कोटि की चोटी का प्रश्न जो है खुल जाता है, 16वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। समय की पाबंदी लगाएंगे घड़ी बड़ी जी। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड, उसके बाद 5वें से 10वें प्रश्न मिलेंगे 60 सेकंड, उसके बाद फिर समय ही समय। यदि आप 1 करोड़ रुपए का प्रश्न का सही उत्तर देते हैं और जीत जाते हैं, तो 15वें सवाल से 16वें सवाल तक जाने के लिए अगर आपके पास कोई लाइफलाइन होगी भी तो वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। यानी 7 करोड़ रुपए पाने के लिए आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं होगी। होते हुए भी यूज नहीं कर पाएंगे? नहीं, कर अगर होगी भी तो वो डीएक्टिवेट कर देंगे। कुछ निराश हो गए आप? निराश नहीं, ये रूल थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है, स्ट्रिक्ट हो गया। गड़बड़ नहीं, स्ट्रिक्ट है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो सवाल 7 करोड़ रुपए का, फिर भी 7 करोड़ के लिए लाइफलाइन होना चाहिए। तो ये जो खेल के मालिक हैं, अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और रविंद्र जी की बातों को सुन रहे हैं, कृपा करके इनकी बात भी मान लीजिए ताकि हमारा काम जो है और आसान हो जाए। ओके, आपकी सुविधा के लिए लाइफलाइन रखी हुई है, खड़ी हो जाओ लाइफलाइन। ये देखिए आ गई लाइफलाइंस, बगल में आ जाइए तो हम बता दें। सबसे पहली लाइफलाइन है ये ऑडियंस फोन, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, दो गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे, 2 बचेंगे, उनमें से 1 सही होगा। उसके बाद है जोड़ीदार, आपकी पत्नी जी आकर के आपके सलाह मशवरा। आप पत्नी जी की बात सुनते हैं कि नहीं? हाँ, सुनते हैं ना? सुनते हैं। तो वो आएंगी यहाँ पर और आप उनसे उत्तर पूछ सकती हैं। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट, और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है पंकज पचौरी, देवियों सज्जनों पंकज पचौरी जी। ये इंडिया के पहले ऐप बेस्ड टीवी न्यूज चैनल गो न्यूज, ये फाउंडर है और एडिटर इन चीफ भी है। पंकज जी प्रणाम करता हूँ आपको, प्रकट होइए हमारे सामने। वाह, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। नमस्कार आपका पंकज जी। धन्यवाद, यहाँ की जनता आपका अभिनंदन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। हमारे सामने जैसा कि आपने सुन लिया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद जी, रविंद्र कुमार आचार्य जी बैठे हैं और अपना सलाह मशवरा आप या कुछ आशीर्वाद या कुछ ज्ञान या गुण की बात अगर आप इनको बताना चाहें तो यही मौका है, बता दीजिए। जी बिल्कुल, ज्ञान की बात, ये खुद ज्ञानी नजर आते हैं मुझे, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं।
लेकिन एक बात मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा, केबीसी एक बहुत अच्छा विचार है जिसमें ये सामने आता है कि आप अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी पृष्ठभूमि, किसी भी परिस्थिति से आ रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा विचार है और इसको कोई नहीं रोक सकता। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब तक आप चलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। मेरा एक सजेशन था जी, एक लाइफलाइन एंकर की साइड से आना चाहिए। अगर क्वेश्चन हम नहीं दे पाए, एंकर हमको उत्तर बता देते हैं। ये एंकर कौन है हमको पता नहीं कौन है ये। और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एंकर जो है वो कुछ इशारा करता रहता है। नहीं, हम नहीं सोचता है। नहीं, अभी तो आप खेले नहीं है, कैसे पता आपको? नहीं, हम देखते रहते थे ना। अच्छा, खेल देखते रहते हैं? देखते, हाँ, हमेशा, इसीलिए तो कभी आया हूँ। नहीं, हमने तो कभी कोई इशारा किया ही नहीं। नहीं, कभी नहीं किया ना। हमने कभी आंख मारी हो या कभी ऐसा किया, इधर वाला इधर वाला, कभी हमने किया कभी नहीं। अब मैं भी ये बोलता हूँ कि आपने कभी नहीं ऐसा किया है। तो फिर क्यों आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा एंकर? तो इसलिए वो फॉर्मलाइज हो जाएगा ना। आप अगर फॉर्मलाइज ना करके कुछ हो जाए, लोगों को अगर पता चलता है दैट एंकर ऐसा करता है, अगर फॉर्मलाइज हो गया तो वो रूल का अनुसार एंकर कर सकता है। और ये नियमों के खिलाफ है? नहीं, अभी नियम बना दिया गया तो खिलाफ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमको कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि इंग्लैंड में जो केबीसी होता है, Who Wants to be a Millionaire, उसमें एक हाल ही में अभी एक लाइफलाइन जो है वो ऐड कर दी गई है, आस्क द होस्ट। यानी वो लाइफलाइन यहाँ अगर आ गई तो हमारी नौकरी बहुत खतरे में होगी, क्योंकि हम तो जवाब दे नहीं पाएंगे कुछ। लेकिन अभी अभी हाल ही में विलायत में जो खेल हो रहा है ये, उसमें ऐसा है जो भी आपने सुझाव दिया। मुझे ऐसा पता नहीं था, अगर वो इंग्लैंड में शुरू हो। आप गुणी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं, आपको सब पता है। नहीं, अगर इंग्लैंड में शुरू हो गया है, जी, इधर शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए इनकी बातें, बहुत सारे सुझाव दे रहे हैं। खेलेंगे कम, सुझाव ज्यादा देंगे? नहीं नहीं, खेलेंगे। ओके, और अब चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से किस उपकरण का इस्तेमाल सतह से भारी वस्तुओं को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ दीज इज अ डिवाइस यूज्ड टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ए जिल, बी जैक, सी जोन्स, डी जेरी। जैक। बी ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। बी जैक पे ताला लगाया जाए? सही उत्तर आपका, 1,000 जीत गए। लोहे का बना हुआ होता है जैक, और इसे गाड़ियों के वर्कशॉप में जी पीछे लगा रहता है, जहां इसका प्रयोग वाहनों के एक्सल को जमीन से उठाने के लिए किया जाता है। जैक हर गाड़ी के अंदर एक होता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रविंद्र कुमार जी, इनमें से क्या एक हिंदू महीने का नाम है? Which of these refers to the name of a month in the Hindu calendar? Ready? Yes. Options हैं ये, A अविनाश, B अद्वैत, C अमित या D अश्विन? D अश्विन। श्योर है? श्योर है। ताला लगा दे? ताला लगा दे। D अश्विन में ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका, 2,000 जीत गए आप, बहुत खूब। साल के 12 महीने होते हैं, आपको तो ज्ञान होगा इसका, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक। आप ही बोल दीजिए। कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ और फागुन। वाह, क्या बात है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 3,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी का मुख्य रंग क्या है? क्रिकेट वगैरह देखते हैं या देखते नहीं? हैं। ओके, देखते हैं। What is the primary jersey color of the IPL team Chennai Super Kings? Option suniye, A orange, B yellow, C red, D purple. B yellow. Sure hai? Sure hai. Tala laga de? Tala laga de. B yellow pe tala lagaya jaye. Bilkul sahi uttar aapka. Yeah.
और ये भी बता दूं आपको कि यहाँ तो आपने सही रंग चुन लिया है, लेकिन आपका और हमारा जो रंग है शांत, नहीं नहीं वस्त्र का जो रंग है वो भी एक है, एक हम एक कैटेगरी में आप पहने वही कलर हम भी पहने। आप सदियों के महानायक हैं। अरे नहीं, हम महानायक नहीं है, आज तो आप महानायक हैं। नहीं, हम महानायक हो नहीं सकते। तीव्रता से आप उत्तर दे रहे हैं, वाह क्या बात है। ऑलराइट, चौथा प्रश्न आ रहा है रविंद्र जी, बड़ी जल्दी आगे बढ़ते हैं। 5,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बीजू जनता दल के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ द बीजू जनता दल? ऑप्शन सुनिए, ए नवीन पटनायक, बी बीजू पटनायक, सी जानकी बल्लभ पटनायक, या डी गोविंद बल्लभ पटनायक। बी बीजू पटनायक। श्योर है? विजयानंद पटनायक, जानकी वल्लभ पटनायक तो फिफ्टी फिफ्टी कर दे। शांत हो जाए घड़ी जी, एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे रमेंद्र जी, 50-50 से अंकित किया जाए। और 50-50 दो गलत उत्तरों को मिटा देता है, मिटा दीजिए। बताइए, बीजू पटनायक आप बोल रहे थे चले गए, वो बीजू जनता दल, जल्दी बोलिए। तो फिर नवीन पटनायक। नवीन पटनायक पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, ये सही उत्तर है। 5,000 जीत गया। तो ये मर्जन है। पॉलिटिकल क्वेश्चन था। बीजू जनता दल की स्थापना ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री ने 26 दिसंबर 1997 को की थी। इस पार्टी का नाम ओडिशा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नवीन पटनायक के पिता श्री बीजू पटनायक के सम्मान में रखा गया था। बहुत लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि क्योंकि ये बीजू जनता दल है इसलिए उन्हीं के नाम से, उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने पिता के नाम से इसको रखा। हमने सुना है कि आप अपने जब दफ्तर में काम करते थे तो ज्यादातर लोग आपको मानते थे, इसीलिए पसंद करते थे कि जो डॉक्यूमेंट्स में देखूंगा वो सही रहेगा, कि उन लोगों का एक था इम्प्रेशन जे मैं बहुत मेटिकुलसली चीज देखता हूँ। अगर मेरे हाथ से कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल जाए तो इसमें गड़बड़ी कुछ नहीं हुआ होगा, स्पीड और एक्यूरेसी को एंश्योर करते हुए डॉक्यूमेंट रिपोर्ट। सबके मन में ऐसा मानना था कि जो भी आप देखेंगे वो सही होगा और वो सच होगा। बहुत कम लोगों के अंदर ऐसा विचार होता है और हाँ। आपके अंदर है, आपके लिए हम अभिनंदन करते हैं। विचारधारा रविंद्र कुमार जी, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है आपके ऊपर, वो पहले देख लें फिर गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। मेरा नाम रविंद्र कुमार आचार्य है, मेरा एज 63 है, मेरे घर में मेरा वाइफ है और दो चिल्ड्रन है, एक बेटा एक बेटी। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में 33 साल काम करने के बाद में CGM होकर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। किताब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, किताब का अगर नहीं पढ़ूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगा, वो दिन ठीक नहीं अच्छा जाएगा। जब मैं किताब पढ़ता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मेरे आसपास में और एक दूसरा दुनिया है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं किताब से हर रोज हर बार हर पल घेरे रहना पसंद करता हूँ। किताबों के बीच में ज्यादा रहते, पेपर किताब उसका जान है, उसके बिना वो एक मुहूर्त भी चल नहीं पाएंगे। मैं उसका पहला पत्नी वो है। किताबें मुझे बहुत बिजी रखता है। मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं जब मरूं मेरे हाथ में एक किताब हो, मैं पढ़ते पढ़ते एक शांत वातावरण में मर जाऊं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा सा मृत्यु होगा। तो यही है मेरा किताब के प्रति लगाव। ज्ञान एक समंदर है, सो मैं ज्ञान की समंदर को पार करने के लिए हमेशा अपने को चैलेंज करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसीलिए आज तक मैं जितने ज्ञान अर्जित किया है इसको चैलेंज करने के लिए मैं कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहता हूँ। पत्नी ने कहा कि आपकी पहली पत्नी जो है वो किताबें हैं, पत्नी जी बोल रहे हैं, क्यों आपने ऐसे कहा पहले तो ये बताइए प्रणति जी। वो किताब पढ़े तो सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ भूल जाते हैं, आपको भी भूल जाते हैं। हाँ।
ये तो अच्छी बात नहीं हुई रविंद्र जी। नहीं, भूल नहीं जाते, वो कुछ बोलेगा काम के लिए, अगर मैं पढ़ता रहूंगा मैं टाल दूंगा। नहीं, अभी वो इतना पेज नहीं पढ़ा सका है, अभी पढ़ना पड़ेगा। क्या काम करने के लिए बोलती हैं पत्नी जी? ज्यादातर वही काम करती है, कभी बोलेंगे तो जाओ नीचे से ये कुछ ले आओ, वो ले आओ। मैं बोल दूंगा अभी पढ़ता हूँ, अभी ये रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। एक दिन में कितनी किताबें पढ़ते हैं आप? हम जो प्रोफेशन में है, मुझे वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल से रेफर करना पड़ता है, तो इसीलिए मोर देन वन बुक हमेशा खुला रहता है। जी जी जी, खुला रहता है। मैं तो रिटायर्ड हुआ हूँ 2015 से, मगर मुझे रिटायर्ड होना फीलिंग नहीं आता है। अभी भी फिनेंशियल कंपनीज और बैंकों को एडवाइस देने में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। सीनियर सिटीजन का फीलिंग नहीं आता है, आपकी जैसा मुझे यंग फील आ रहा है। आप मेरा प्रेरणा का उस से, हम एक ही कैटेगरी में है। हाँ जी, बिल्कुल एक ही कैटेगरी में है। मैं ज्यादा उम्र में हूँ आपसे। हाँ, आप ज्यादा ऊपर में है, बट कैटेगरी सीनियर सिटीजन। ऊपर नहीं है, केवल उम्र में। जितना आपको ज्ञान है उतना हमको ज्ञान नहीं है। नहीं, नहीं, आपने कहा कि आज आप यहाँ आए हैं अपने ज्ञान को और बढ़ाने। बढ़ाने आपसे बढ़ाऊंगा? नहीं नहीं, मैं तो कंप्यूटर के द्वारा बढ़ाता हूँ। मेरा अपना ज्ञान नहीं है। मुझे अगर खेलना होता तो एक दो प्रश्न का जवाब दे करके मैं नमस्ते कर देता हूँ। ओके रविंद्र कुमार जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। रविंद्र कुमार जी, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस वीडियो क्लिप। फिल्म वगैरह देखते हैं आप? हाँ, देखते हैं। ओके, इस वीडियो आपका फिल्म तो बहुत देखते हैं। हाँ जी, आपका फिल्म बहुत देखते हैं। हमारा फिल्म देखते हैं। अच्छा, ऐसे बोल करके मैं ये आपको यकीन नहीं दिला सकता हूँ कि हमारा ही क्लिप आएगा। नहीं, ये तो हमको स्वयं नहीं मालूम है। इस वीडियो क्लिप को देखकर फिल्म को पहचानिए, फिल्म का नाम आपको पहचानना पड़ेगा। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? ये मिस्टर पास्कल, ये मत भूलो कि हाँ मैं पुलिस ऑफिसर। आप पुलिस ऑफिसर? Yes? आप पुलिस ऑफिसर नहीं, फूलिश ऑफिसर, FOOLISH, फूलिश यानी मूर्ख, यानी खबरदार। देख लिया? देख लिया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, आप बताइए कि ये फिल्म का नाम क्या है। ऑप्शंस हैं ए चश्मे बद्दू, बी गोलमाल, सी पड़ोसन, डी अंगूर। ये ऑडियंस पोल। शांत हो जाएं, घड़ी बड़ी जी, ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे रविंद्र कुमार जी, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और रविंद्र कुमार जी की आप मदद कीजिए। वीडियो आप सबने देख लिया है, इस वीडियो क्लिप को देखकर फिल्म को पहचानिए। ऑप्शंस हैं ए चश्मे बद्दूर, बी गोलमाल, सी पड़ोसन, डी अंगूर। और आपका समय शुरू हो गया है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत 64% दिया है बी गोलमाल को जनता ने, ए को दिया है 13, सी और डी को मिले हैं 6 और 17। क्या करेंगे आप रविंद्र? बी के साथ में जाऊंगा। बी के साथ में जाएंगे? ओके, अधिकतर जनता कह रही है बी गोलमाल, आप बी के साथ जाएंगे। बी गोलमाल, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही है जनता, वेल प्लेड। गोलमाल इज अ 1979 कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, और कलाकार थे इसमें उत्पल दत्त, अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी। अभी जिनको आपने देखा, उत्पल दत्त इधर थे और सामने ओम प्रकाश जी। गोलमाल के लिए थोड़ा गोलमाल हो गया, बिकॉज़ बहुत सारे गोलमाल आ गए। हालांकि देखा हुआ था आपने, आपको जानकारी थी इसकी? हाँ, जानकारी थी, बट गोलमाल आप मॉडर्न गोलमाल पूछते हैं या ओल्ड गोलमाल पूछते हैं? पर इनको देख के आपको लगा नहीं कि ये ओल्ड मॉडर्न? नहीं नहीं नहीं, बट गोलमाल भी, गोलमाल कैसे पता है वो? कुछ कोई बात नहीं, गोलमाल। ओके रविंद्र कुमार जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये अब दूसरा पड़ाव हो गया, यहाँ पर घड़ी बड़ी जी आपको 60 सेकंड देंगे, ठीक है? छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, तैयार हैं? हाँ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नोवाक जोकोविच ने साल 2018 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जीतने के बाद
कहा, ये घास सचमुच काफी स्वादिष्ट लगी, मैंने इस साल जश्न मनाने के लिए दुगनी घास खाई। इन 2018 आफ्टर विनिंग विच ग्रैंड स्लैम डिड नोवाक जोकोविच से द ग्रास टेस्टेड रियली वेल, आई हैड ए डबल पोर्शन दिस ईयर टू ट्रीट माइसेल्फ। खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं आप? कम देखते हैं। कम देखते हैं? कम देखते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि ये किस टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं? आइन पे तो है। ऑप्शन सुनिए, ए विमल्डन, बी फ्रेंच ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन या डी यूएस ओपन। तो विम्बलडन लगता है। क्या करना चाहेंगे? विम्बलडन लग किया जाए। ए विम्बलडन पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, आपने कहा लगता है, क्यों? खेल वगैरह कम देखते हैं ना। अच्छा, तो फिर विम्बलडन ही क्यों? वो ग्रास के बारे में बोलता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और इसके लिए आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल विम्बलडन के ग्रास कोर्ट में ये मुकाबला जीतने के बाद उन्होंने थोड़ी सी घास खाई और उन्होंने ये बात कही। विम्बलडन जो है वो एकमात्र टेनिस टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम का जो घास पे खेला जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलियन है, फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन वो लाल बजरी पे खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेलते हैं, सीमेंट का बना होता है। विम्बलडन ही एक ऐसा कोर्ट है जो घास पे खेला जाता है। अच्छा। और बहुत ही प्रचलित है। बहुत प्रचलित। रविंद्र जी, अब 40,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस स्थल का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? विच रूलर बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉन्यूमेंट। अभी आपको एक छवि दिखाई जाएगी, एक पिक्चर दिखाएंगे। कैन वी हैव द पिक्चर प्लीज? वो याद है, देख लिया अच्छी तरह? अच्छी तरह देख लिया। ऑप्शन सुनिए, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन या डी अशोक या अशोका। देखा तो है बट अभी याद नहीं आता है। अशोक लगता है। नहीं, आज से एक्सपर्ट। आज से एक्सपर्ट। शांत हो जाएं गड़ी बड़ी जी, एक और लाइफलाइन लेंगे। रविंद्र कुमार जी, आज से एक्सपर्ट लाइफलाइन है, इसे अंकित किया जाए। पंकज पचौरी जी, प्रकट होइए और मदद कीजिए हमारे आज के कंटेस्टेंट की। पंकज जी प्रणाम करता हूं आपको। एक प्रश्न पे आकर के रविंद्र जी अटक गए हैं। तो मैं आपके सामने एक प्रश्न पढ़ूंगा और छवि तो आपने शायद देख ली होगी। इससे पहले कि मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूं, आपको बता दूं कि जैसे ही मैं ऑप्शंस रखूंगा 60 सेकंड उसके बाद शुरू हो जाएंगे और उसी के अंदर आपको जवाब देना है। तैयार है जी? स्थल का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन या डी अशोक। जी, इस मैं जवाब दे सकता हूं। इस स्थल का ये सांची का स्तूप है और इसका जवाब है डी अशोका, जिसको हम अशोक महान भी कहते हैं। तो सांची स्तूप की शुरुआत जो थी वो अशोक के जमाने में हुई थी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था और बाद में मौर्य वंश जो है उसके राजाओं ने इसे इसका जो निर्माण था वो समाप्त किया था, और ये एक बुद्धिस्ट वो है। डी जो है वो इसका सही उत्तर है। सहमत हैं आप? हाँ, सहमत हैं। क्या करना चाहेंगे? अलग करना चाहेंगे। कबीर महाशय, डी अशोक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। पंकज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंकज जी धन्यवाद। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जो छवि आपने देखी भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया, ये दुनिया के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है सांची स्तूप। बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, ख़ास तौर से जहाँ बुद्धिज़्म प्रबल हो वहाँ पर, जापान से लोग आते हैं बहुत सारे।
विजिट कर चुका हूँ, ये ध्यान नहीं आया। ध्यान नहीं आया, ध्यान नहीं आया। बहुत दिन पहले विजिट कर, ध्यान आता है फिर चला जाता है। सही जा रहे होते हैं आप, फिर अबाउट टर्न कर देते हैं, कोई बात नहीं। रविंद्र कुमार जी, अगला प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए और 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक बची पत्नी जी, जोड़ीदार। ये आपकी जो वैवाहिक जीवन है, थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है, ये कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। पत्नी जी के साथ कभी डिबेट हुआ है? होता है, बहुत मीठा डिबेटिंग। मीठा होता है, स्वीट डिबेट। ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ठीक है। इतनी देर बाद उन्होंने कहा है, इसका मतलब मीठा नहीं होता है। कभी कभी मीठा नहीं हुआ होगा, तो वो अगर याद में रह गया तो फिर टाइम लगेगा, कौन सा डिबेटिंग को मीठा बोला जाए, कौन सा को। हाँ, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ। ये आप मत बताइए, ये वही बताएंगे। हर बार किताब और पेपर पढ़ते हैं जी। अब मैं जब कुछ टीवी देखने था, न्यूज चैनल, उसी में कभी कभी डिबेट हो जाता है। मैं थोड़ा ये नाच गाना जो आप देखना चाहते हैं, वो इसका परमिशन नहीं देते हैं? नहीं, क्यों ऐसा? वो हेड होता है ना। नहीं, वो शनिवार और रविवार को मैडम जी की वो, और दूसरे सब सीरियल आ जाता है, मान लीजिए इंडियन आइडल। और सीरियल लीलर मत देखिए आप, हमारा हफ्ते भर जो ये चलता है ना कार्यक्रम, वो तो हुआ नहीं ना। वो केबीसी का फैन है जी, वो कौन बनेगा करोड़पति का फैन है। और इसमें थोड़ा सा बहस होता है। क्या बहस होता है? अगर आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मैं भी साथ साथ में खेलता हूँ जी, और कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तब बहस शुरू हो गया, तुमको क्यों ऐसा मालूम नहीं था, तुम बोलते हो इतना पढ़ाई करते हो, इतना किताब उसमें घेरे रहते हो। हाँ। ये आंसर क्यों मालूम नहीं हुआ? इतना बहस हो जाता है कि हाँ। आपने उत्तर गलत क्यों दिया, तुमको कुछ आता नहीं। तुमको कुछ आता नहीं है तो परिणाम क्या होता है उसके बाद? परिणाम क्या होता है? मैं फिर आई गो बैक टू माई ड्रॉइंग बोर्ड एंड रीड मोर। ओहो, रिटायरमेंट के बाद पत्नी जी परेशान है आप, क्योंकि अब ज्यादा समय ये घर पे ही बिताते होंगे, लेकिन आपने जैसे कहा तो किताब किताब पढ़ते रहते हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। नहीं, वो तो कभी भी नहीं, वो ऑफिस किताब, फैमिली अफेयर मेरी है। ओके, तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, जो आप प्रथा जो है अपने काम में करते हैं। हाँ। वो आप अपने घर पे भी ले आए हैं। हाँ। डिवीजन ऑफ लेबर। इतना सारा काम पत्नी जी करेंगी, आप इतना करेंगे? नहीं, वो ऑफिस खाली है, सिर्फ ऑफिस जाएंगे, ऑफिस आएंगे, बच्चों को पढ़ाई, घर का काम मेरा है। बच्चों लोग जब अभी पढ़ाई करके हुए हैं, अभी एस्टेब्लिश्ड, वो उनकी वजह से मैं अभी मान। अरे, पर हम तो सोचे थे कि आप ज्ञान का भंडार है। नहीं, हम ज्ञान का भंडार हो सकते हैं, उसको प्रोत्साहन करते हैं, लेबर तो वो करती है। वाह, क्या बात। रात भर मैं बैठा के पढ़ाती लड़की को। जब एम्स न्यू दिल्ली में डॉक्टरी का पढ़ने के लिए, एमडी के लिए मिली सीट एक, उसका श्रेय उसको जाती है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन के लिए वो। कितनी संतान है आपकी रविंद्र जी? एक बेटा एक बेटी। बेटा शादी कर चुका है, बेटा बीटेक एमबीए है, बैंगलोर में वो मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहू भी इंजीनियर है बीटेक करके। और ये बेटी एम्स न्यू दिल्ली में सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस से, क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सीनियर रेसिडेंट है, उधर ही भी एमडी किया। Okay. उसका स्टेट का एक ही लड़की को मिला था उस टाइम पर उधर, और वो लड़की आपकी पुत्री थी। वाह, बहुत खूब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खेल में। रविंद्र कुमार जी, आठवां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। आठवां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। उन्नीसवीं शताब्दी में इनमें से किस बैंक की स्थापना लाहौर में हुई थी? Which of these banks was founded in Lahore in the 19th century? Option सुनिए। A, पंजाब एंड सिंध बैंक। B, पंजाब नेशनल बैंक। C, यूको बैंक या UCO बैंक। या D, देना बैंक लाहौर में। पंजाब नेशनल बैंक। श्योर है? पंजाब नेशनल बैंक श्योर है, वो बाद में। ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। बी, पंजाब नेशनल बैंक। ताला लगाइए कबीर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 80,000 रुपए जीत गए आप। पंजाब नेशनल बैंक को 1894 में लाहौर में
स्थापित किया गया था। बैंक के शुरुआती दिनों में लाला लाजपत राय भी बैंक के प्रबंधन का हिस्सा थे और वे ही पीएनबी के पहले खाता धारक भी थे। बैंक में गया हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए, इन लोगों का ब्रांच। ये इनकी जो फाउंडिंग है ये यहाँ पर हुई थी, पंजाब और सिंध बैंक अमृतसर में, यूको बैंक कलकत्ता में फाउंडिंग हुई थी, बॉम्बे में और देना बैंक मुंबई में। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आ रहा है, नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। तैयार है रविंद्र जी? तैयार है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू मान्यता के अनुसार इनमें से कौन भगवान सूर्य के सारथी हैं? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चैरिटियर ऑफ लॉर्ड सूर्य? और ऑप्शंस हैं ये, ए माथली, बी जलंधर, सी अरुण या डी चित्रगुप्त। अरुण। अरुण श्योर है? ताला लगा दिया जाए? ताला लगा दिया। सी अरुण पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही है आपका उत्तर, बहुत खूब, 1,60,000 रुपए जीत गया। हिंदू मान्यता के अनुसार अरुण कश्यप और बिंता के पुत्र हैं। इनके ज्येष्ठ भ्राता गरुड़ हैं जो कि पक्षियों के राजा हैं। अरुण का शाब्दिक अर्थ होता है गहरा लाल रंग। अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। कृपया करके इसे जीत जाइए ताकि आप यहाँ से कम 3,20,000 तो अवश्य ले जाएं। हम तो चाहेंगे कि आप और आगे जाएं। घड़ी जी भी बंद हो जाएंगी और उसके बाद आपके पास समय समय होगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है, 1 ही बची हुई है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से एकमात्र व्यक्ति 3 अलग-अलग भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? हु इज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव वर्कड अंडर 3 different presidents? अंडरस्टूड। ऑप्शन सुनिए, ए एस राधाकृष्णन, बी भैरव सिंह शेखावत, सी बी डी जत्ती, डी हमिद अंसारी। बी डी जत्ती। श्योर है? हमिद अंसारी नहीं, राधाकृष्णन और बी डी जत्ती। सोलह सेकंड रह गए, उत्तर दीजिए, लाइफ लाइन लीजिए, क्विट कर सकते हैं आप। 10 सेकंड। यस यस राधाकृष्ण। शोर है? 1 लाइफलाइन और बची है। आप जोड़ीदार जोड़ीदार शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी, 1 लाइफलाइन और बची है, उसका इस्तेमाल करेंगे। हो जोड़ीदार जोड़ीदार जी, आपकी बारी आ गई है। आइए प्रणति जी, तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्रश्न आपके सामने फिर से पढ़ता हूं। कौन से एकमात्र व्यक्ति 3 अलग-अलग भारत के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? समय की कोई पाबंदी नहीं, यू कैन टेक योर टाइम। मैं क्विट कर दिया। ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव वर्कड अंडर 3 different presidents। याद नहीं आता है अभी। बी डी जत्ती तो बिकेम प्रेसिडेंट, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट, सो बी डी जत्ती। हमिद अंसारी तो अभी अभी गया, दो बार हुए थे। तब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उससे पहले,
प्रणब मुखर्जी 2007 से 2012 तक थे, सॉरी अभी अभी थे, 2000 प्रणब मुखर्जी के बाद में ये रामनाथ कोविंद हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं APJ अब्दुल कलाम। इसको वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ईयर्स का याद नहीं आ रहा है, ईयर्स का याद नहीं आ रहा है, तो उसको भी थोड़ा दिक्कत हो रही है ईयर के हिसाब से। सालों की बात नहीं है, अगर आपको अनुमान हो कि तीन प्रेसिडेंट्स के अंडर इनमें से किसी एक ने वाइस प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई है तो उनका नाम बताइए। भैरम सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में हार गए थे वो। ओके, आई रिजाइन, क्विट। यू विल क्विट? आई विल क्विट। सही उत्तर नहीं आ रहा है? सही उत्तर नहीं आ रहा है। ये आपका फाइनल उत्तर, यू विल क्विट? जस्ट एम याद नहीं। ये सही आपको देंगे 3-20, गलत आपको नीचे ले आएंगे 10,000। अगर आप क्विट करते हैं तो आप आज यहाँ से 1,60,000 रुपए ले जाएंगे। गेस वर्क नहीं चलता है यहाँ पर, सही होना चाहिए। लाइफ लाइन उड़ा सो चली वाला ना मेरे ये तो एक्सपर्ट पे रह गया। ओके, आई वांट टू क्विट। यू वांट टू क्विट? ओके। कमिटी महाशय रविंद्र कुमार आचार्य जी का ये फाइनल निर्णय, अंतिम निर्णय है कि ये क्विट करेंगे। हम अनुमति देते हैं आपको और आपको बधाई देते हैं कि आप 1,60,000 रुपए जीते। और जाने से पहले हमें बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, किसी एक को गेस कीजिए। रविंद्र जी, बीडी जत्ती। कमेडी महाशय सी बीडी जत्ती पे थाला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता, सही उत्तर है हामिद अंसारी। आप सोच रहे थे उस विषय पर? ये वो भी लग रहा था। आपको लग रहा था? आपने बताया इनको? क्यों नहीं सुनी आपने उनकी बात? बस यही डिबेट तो होता है घर में, यदि आपके बारे में आपने बताया नहीं हमको। हामिद अंसारी 2007 से लेकर के 2017 तक 10 वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति रहे। दो टर्म रह चुके हैं। उस दौरान प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी और अब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने उनके कार्यकाल में। हामिद अंसारी, बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड रविंद्र कुमार जी, और आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। प्रणति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने धनराशि जीती है ये डिजिटली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। देखिए, आजकल डिजिटल का जमाना है। फंड ट्रांसफर दबाया और 1,60,000, ठीक है, 1, 2, 3, 1,60,000, इसको ओके किया, कन्फर्म किया और गया 1,60,000 आपका। ये बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है। अभी कहीं जाइएगा मत, हम चाहते हैं कि आप हम दोनों की एक फ़ोटो खींचें। ये कैमरा है, ताली बजती रहे इनके लिए। ये लीजिए, मालूम है ना इसको दबाते हैं? आपको मालूम है फ़ोटो लेना? नहीं मालूम? ये हमको, हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, देखेंगे, ये वाइट बटन दबा दीजिएगा, खिंच जाएगा। वो बटन दबाइए। नहीं, मुंह खुलता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। कौन नहीं दिखाई दे रहा? आपका शक्ल आधा उजड़ा। हम निकल गया बाहर अभी। नहीं आया? अच्छा हुआ नहीं। अरे, इसको थोड़ा ऐसे रखिए, अभी दिखाते हैं आपको, थोड़ा घुमा दीजिए ऐसे कैमरा, नहीं उधर, नहीं उधर, तो कुर्सी चली है, ये ठीक है। गया? क्या गया? अरे तोबा, अभी आ गया है। इधर उधर को तो मत छूइएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये ऐसे पकड़िए, सफेद वाले को दबा दीजिएगा, खींचिए। आया, हाँ।
रविंद्र जी यहाँ से 1,60,000 रुपए जीत कर गए। समय आ गया है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। तैयार हो जाइए कंटेस्टेंट्स, रेडी। प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन फिल्मों के शीर्षक में शामिल संख्या के अनुसार इन्हें कम से ज्यादा की तरफ सजाएं। अरेंज दीज फिल्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मेंशन इन देयर टाइटल, जो उनके शीर्षक में नंबर है उसके अनुसार आपको रखना है। रेडी, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए ढाई अक्षर प्रेम के, बी हजारों ख्वाहिशें ऐसी, सी एक डॉक्टर की मौत, और डी सात खून माफ। समय समाप्त हो गया है, देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी एक डॉक्टर की मौत वन, फिर आता है ए ढाई अक्षर प्रेम की 2.5 ढाई, फिर आता है डी सात खून माफ सात, और अंत में है बी हजारों ख्वाहिशें ऐसी 1,000। सी ए डी बी, और जिन लोगों ने इसी ऑर्डर में इसी क्रम में उत्तर दिया उनके नाम है ये। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, और सबसे तेज जवाब संदीप सावरिया। आइए 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 भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। अरे ये मत कीजिए, आइए हम और आप चलते हैं वहां, तालियां बजते रहे इनके लिए, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको संदीप जी। शुक्रिया सर। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं अब कलसारी गुजरात से आए एक ग्राफिक डिजाइनर जिनका नाम है संदीप सावलिया। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और ये ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? जैसे मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसकी यूआई बनानी होती है ना, जो ग्राफिक्स वगैरह दिखते हैं आप जैसे सभी दिखाते हैं कि ये इसको क्लिक कीजिए इसको क्लिक कीजिए, तो ये बटन्स वगैरह की डिजाइंस होती है, फिर उसमें कुछ इमेजेस वगैरह होते हैं उन सबको सजाने रहता है हमें। जैसे हमारा मेक ओवर करते हैं उसी तरह हम वेबसाइट का और मोबाइल एप्लीकेशन का मेक ओवर करते हैं। मेक ओवर करते हैं, हाँ। ये आपने सीखा था, इसके लिए ट्रेनिंग ली थी, शिक्षा प्राप्त की थी, कैसे आया ये? ये मैंने ऑनलाइन ही सीखा हुआ था, धीरे धीरे ट्राई करता गया और सीखता गया था। ट्रेनिंग एक ली हुई है पर वो एनिमेशन के लिए थी, ये ग्राफिक्स मैंने खुद से ही सीखा है, बचपन से ही मुझे ड्राइंग्स वगैरह का शौक था। तो लोगों को कैसे पता चलता है कि आप कर सकते हैं? मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, वडोदरा आईटी कंपनी है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी में? अच्छा, तो वो कंपनी के पास ऑर्डर आता है फिर आपको दी जाती है? हाँ सर। ओके, गेम की शुरुआत करते हैं। जी सर। नियम तो आपको पता ही है, 15 प्रश्न आएंगे और 1 करोड़ तक जाएंगे। और जो हमारे पास 2 पड़ाव हैं, 5वें प्रश्न और 10वें प्रश्न, उसके बारे में भी आपको ज्ञान है। हाँ सर। कोटि की चोटी खुल जाएगी। हाँ। 7 करोड़ रुपए का प्रश्न, 4 लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल 50-50, जोड़ीदार और आस्ती एक्सपर्ट, एक्सपर्ट के बारे में आपको बता दिया है, पंकज पचौरी जी हैं। जोड़ीदार के रूप में आप किसे लाए हैं? हेमल शाह जी। हेमल जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्कार। और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप? मेरा छोटा भाई है अनिल सावलिया। अनिल सावरी जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। हमने सुना कि ये आपके फेसबुक के मित्र हैं। हाँ सर। कैसे मुलाकात हुई आपकी इनसे? मतलब हम लोग 4-5 साल से कांटेक्ट में हैं, तो कई कबार क्या होता है कि किसी की पोस्ट पे कमेंट वगैरह में मिल जाते थे, तो ऐसा लगा कि ये हम लोग एक ही लाइन के हैं, तो फिर थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात हुई और वैसे मुलाकातें होती रही। तो क्या हुआ कि आगे फिर हमें कुछ नया स्टार्ट करना था, तो ये है ना कोई पोर्टल बना रहे थे, तो बोला कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, तो हम कुछ नया करेंगे। तो हम, मैं और हेमंत शाह जी और हर्ष भाई, हम तीनों मिलके कुछ साथ में नया करने की सोच रहे हैं। इसीलिए आपने उनको आज जोड़ीदार के रूप में चुना है? हाँ, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर विजन पार्टनर है हमारे। जी जी जी। ओके, हम चाहेंगे कि एक बार आपकी मुलाकात जो है पंकज पचौरी जी से हो जाए, जो कि हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं। पंकज जी प्रकट होइए हमारे सामने। पंकज जी प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर। हेलो सर। हमारे सामने आ गए हैं संदीप सावलिया जी, और आपकी शुभकामनाएं चाहिए इनको। संदीप जी आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया सर। और वो इसलिए हैं कि आप ग्राफिक्स डिजाइनर हैं, एनिमेशन आपने पढ़ा हुआ है, और हम भी आजकल कुछ यही काम में जुटे हुए हैं, और लगता यह है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर जी। समय मिलेगा तो हम आपसे अवश्य
संपर्क कराएंगे इनका। हम तो उम्मीद करते हैं कि इनको कभी लाइफलाइन की आवश्यकता ना पड़े। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए के लिए, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल बहुत जोर की भूख लगने के लिए होता है? Which of these is a Hindi idiom used to denote hunger? Options हैं A, पेट में कबूतर उड़ना, B, पेट में मोर नाचना, C, पेट में कुत्ता भौंकना, या D, पेट में चूहे दौड़ना। ऑप्शन डी, पेट में चूहे दौड़ना। डी, पेट में चूहे दौड़ना पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वाह, ये भी बिल्कुल सही उत्तर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कंप्यूटर जी कि बहुत सही समय पे आपने ये प्रश्न डाला है, क्योंकि हम सबके पेट में चूहे कूद रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। संदीप जी, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चावल का एक रूप इनमें से किस खाद्य पदार्थ की मुख्य सामग्री होता है? अ फॉर्म ऑफ राइस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ दीज फूड आइटम्स? सुनिए, ऑप्शन ए इंदौरी पोहा, बी अमृतसरी कुलचा, सी बीकानेरी भुजिया, या डी केरला परोटा। ऑडियंस बोल लेना चाहूंगा। शांत हो जाए खड़ी जी, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। आप बात सही है, बट ये कुछ वर्ड है मेरे, मतलब अननोन लग दिख रहा है। कौन से वर्ड ऐसे दिख रहे हैं आप? मतलब ये जो मैं गुजराती हूँ, तो ये जो हिंदी वर्ड्स है ना खाने के आइटम्स के, गुजराती में शायद हो सकता है कि मैं इनको पहचान पाऊँ, बट ये हिंदी और इंग्लिश में थे ना, तो ऐसे थोड़े वो लोग रहते हैं, इसलिए ऑडियंस पोल ही कर दूंगा ना, क्योंकि सबको पता। ऑलराइट, चलिए ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है, लगता है आपको भी जाना है खाना खाने के लिए। अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चावल का एक रूप इनमें से किस खाद्य पदार्थ की मुख्य सामग्री होता है? ए इंदौरी पोहा, बी अमृतसरी कुलचा, सी बीकानेरी भुजिया, डी केरला परोटा। और आपका समय शुरू होता है अब। वैसे मैं पोहा सोच रहा था, पर ऑडियंस को ले ही लेता हूँ। इंदौरी पोहा, लॉक कर दीजिए। आपने पोहा। जीवन में कभी पोहा नहीं खाया है? मैं बाद में बताऊंगा आपको मेरी खाने की चीज की आदतों के बारे में। अच्छा, आप सुन के फिर बता दीजिए क्या। ठीक है, इसमें लॉक कर दिया जाए। कर दीजिए। ए इंदौरी पोहा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जनता बिल्कुल सही है और उन्होंने आपको 2000 रुपए जिता दिए। पोहा को चिवड़े, फ्लैटेंड राइस, मूंगफली और प्याज के साथ तैयार किया जाता है। हे भगवान, काहे को ये सब बुलवा रहे हो हमसे, हमारा पेट के अंदर चूहा और कुलचा मैदा, बीकानेरी भुजिया, बेसन, केरल परोटा, ये मैदे से बनता है। आप कह रहे थे अभी खाने के बारे में आप बताएंगे कि आप क्या क्या खाते हैं। अगर मैं मतलब खाने की बात करूँ, तो जो हमारी गुजराती डिश आती है, हाँ जी, रोटी और सेव टमाटर की सब्जी, मैं दोनों टाइम वही प्रेफर करता हूँ। अभी यहाँ पे कोई जो नाश्ता वगैरह होता है, तो उसमें भी क्या करता हूँ, मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो केला और नारियल पानी पे ही रहता हूँ। बाहर का खाना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कोई सब्जी वगैरह कुछ खाता ही नहीं हूँ। सब्जी वगैरह खाता ही नहीं? नहीं, पहले से ही नहीं खाता हूँ। काहे? आदत ही नहीं है डालिए वैसे। मतलब जो बच्चों को बोलते हैं ना कि भाई लो बेटा एक एक बूंद लो, एक एक लेने वाला ले लो, ऐसा तो ऐसा मतलब हुआ ही नहीं था कभी हमारे साथ। सब्जी खाया ही नहीं आपने? सब्जी नहीं खाया। सब्जी देखा तो होगा आपने? देखा है, पर जिसके साथ काम ना हो उसमें ज्यादा नहीं डीपली जाता हूँ मैं। कौन सी सब्जी देखी है आपने? सब्जी सारी देखी हुई है। फिर? पर ये पोहा वगैरह है ना, मैं सुबह नाश्ते में आते हैं, सब खाते भी है, पर मैं नहीं खाता हूँ ना, चाय पी के निकल लेता हूँ उसे। भाई साहब, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो ठीक है ना? नहीं, थोड़ा बिगड़ा हुआ है, इसलिए नहीं खाता हूँ। मैंने ऐसे पूछा। हाँ, तो इसलिए तो मेरा वजन नहीं बढ़ा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हाँ, जो इसी प्रकार के हैं, जो सब्जी वब्जी कभी खाते नहीं है। बहुत से लोग फल नहीं खाते हैं, हाँ, बहुत से लोग हैं कुछ और नहीं खाते हैं, हाँ, दूध से बने हुए जितने भी सामग्री होती है वो नहीं खाते हैं। हमारे पुत्र जो हैं, हाँ, वो फल खाते ही नहीं हैं। अच्छी बात है। मैं अपने पुत्र या पुत्री देख रहे होंगे कार्यक्रम, तो हम बताना चाहेंगे सबको
कि क्यों नहीं खाते हो यार, फल बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए। संदीप जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है 3000 रुपए के लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक लोकप्रिय अली बाबा कथा के अनुसार, खुल जा सिम सिम कहने पर किसका दरवाजा खुल जाता है? अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर स्टोरी ऑफ अली बाबा, द वर्ड्स खुल जा सिम सिम ओपन्स द वे टू विच ऑफ दीज? ऑप्शन सुनिए, ए पैलेस, बी हेवन, सी केव या डी हट, महल, स्वर्ग, गुफा या झोपड़ी। सी गुफा। सी गुफा, ताला लगा दें। हाँ। सी गुफा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। और ये भी सही उत्तर है आपका, 3000 रुपए जीत गए। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अरबी लोक कथा है, अली बाबा और 40 चोर के अनुसार, खजाने से भरी गुफा का दरवाजा खोलने के लिए खुल जा सिम सिम बोलते थे, और शब्द कहने पर सिम सिम दरवाजा खोल देता था, और उसके अंदर खाने के बहुत से पदार्थ होते थे। तो चलिए हम भी एक बार बोल देते हैं। हाँ, खुल जा सिम सिम, शायद आ जाएं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है उटर बज गया भाई। तो बोला ना मैंने खुल जा सिम सिम। हाँ, जैसे ही बहुत खूब। तो हमारा आज का समय यही समाप्त होता है। जाने से पहले हम पंकज जी से विदा और विदाई लेना चाहेंगे। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहीं पर समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है। आज खेल शुरू करने से पहले देवियों सज्जनों, जो बात मैंने कही थी वो मैं बाकी बचे खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर से दोहराता हूँ, और वो ये कि कल फिर से मौका मिलेगा, कल फिर से कोशिश कीजिएगा, और हम कल फिर से मिलते हैं। आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।